साबिक वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की सदारत में यह इजलास होगा। कल पूरे दिन गुलाम नबी आजाद वर्चुअली मिले जम्मू कश्मीर के लीडर्स के साथ, और आज जहां दिल्ली के अंदर यह मीटिंग होनी है वहीं पर गुपकार अलायंस का भी आज अहम फैसला मुतवक्का है। गुपकार इतिहाद की मीटिंग आज, नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरे रोज भी तफसीली बैठक कर चुकी है, और जरा जो हमारे पास है वो यही बता रही है कि हरी झंडी फारूक अब्दुल्ला को दे दी गई कि आप चलिए बात कीजिए, लेकिन आज हतमी ऐलान मीटिंग के बाद किया जाएगा जब गुपकार इतिहाद का इजलास फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर सुबह 11 बजे होगा। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें खदुखाल वाजिया किए जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब दिल्ली से दावतनामा आया वो गुपकार इतिहाद के लिए नहीं है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में सभी सियासी जमातों को है, साबिक वज़ीरे आला को है, साबिक नायब वज़ीरे आला को दिया गया है, सियासी जमातों के लीडर्स को आया है ताकि आप आए बात करें। 14 से ज्यादा लीडरों को दावतनामे गए हैं, लेकिन गुपकार इतिहाद पर आज सबकी नजर रहेगी क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने पहले ही साफ कर दिया कि गुपकार इतिहाद जो फैसला करेगा वही काबिले तस्वीर होगा और उसी को अमलाया जाएगा। लेकिन पीडीपी जरा से भी यह खबर है कि महबूबा अगर नहीं लेकिन दो लीडरों के नाम सामने आ रहे हैं जो शायद पीडीपी के बदले वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज गुपकार इतिहाद के अंदर क्या होगा। तो गुपकार इतिहाद की कहानी अपनी जगह, कांग्रेस अलायंस की बात हमने आपको बताई कि गुलाम नबी आजाद कल पूरे दिन वर्चुअल मीटिंग करते रहे जम्मू कश्मीर के लीडर्स के साथ। आज पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप जो कांग्रेस का है जिसकी सरबराही साबिक वजीर आजम कर रहे हैं वो भी मीटिंग कर रहा है, और उसमें खदुखाल को जो है वो फाइनल शक्ल दी जाएगी। पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप की मीटिंग आज होनी है जिसमें साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, करण सिंह, पी चिदम्बरम, AICC के जनरल सेक्रेटरी रंजनी पाटिल, तारिक हमीदकरा, गुलाम अहमद मीर, गुलाम नबी आजाद मौजूद रहेंगे, यहां पर मीटिंग होगी। उसके साथ साथ जब आप अलायंस की बात करेंगे तो गुपकार अलायंस जिसको फारूक अब्दुल्ला हेड कर रहे हैं वो आज अपना फैसला जो है वो सुना सकते हैं। उससे के साथ साथ सज्जाद गनी लोन ने भी कल मीटिंग की है, और सज्जाद गनी लोन की कल की मीटिंग के अंदर इस बात का साफ इशारा दिया गया कि वी मस्ट गो अहेड विद अ विजन, यानी हमने आगे बढ़ना होगा एक विजन के साथ, और एक साथ हमने आगे बढ़कर उस जमहूरियत को बहाल करवाना होगा जो जमहूरियत अभी भी बहाल नहीं हो पा रहा है, जो हो पा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो कुल मिलाकर 11 बजे के बाद आप मान लीजिए 12 बजे तक सारे कार्ड्स खुल जाएंगे कि कौन कौन दिल्ली आ रहा है। लेकिन बावसूख जराया से हम अगर बात माने तो फारूक अब्दुल्ला की जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस अंदर खाने यह फैसला कर चुकी है कि हमें जाना चाहिए, लेकिन हतमी ऐलान आज मुतवक्का है। पीडीपी की खबर हमने आपको पहले ही बता दी, कांग्रेस स्टेटहुड की डिमांड को लेकर आएंगी, इसका इशारा खुद गुलाम नबी आजाद ने दिल्ली के अंदर दिया है, और उसके साथ साथ दीगर जमातों की अगर बात करें जिनमें अपनी पार्टी है पीपल्स कॉन्फ्रेंस है वो भी दिल्ली आने के लिए पर तोल चुके हैं और अपनी बात साफ कर चुके हैं। इधर जम्मू में भी सियासत काफी ज्यादा तेज है, भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के बीच भी सलाह मशवरे का सिलसिला जारी है। मामला किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, गुपकार इतिहाद क्या कुछ करेगा, क्या कुछ कहेगा, उसका तोड़ क्या कुछ होगा, उस पर भी एक तफसीली खाका जो है वो पार्टी के अंदर खींचा गया है ताकि 24 तारीख को जब सब लोग एक टेबल पर होंगे तो बात भी होगी, जवाब भी होगा, सवाल भी होगा और काउंटर भी किया जाएगा। इस तरीके की हिकमत अमली तरतीब दी गई, लेकिन सबकी नजरें आज गुपकार इतिहाद पर जहां पर फारूक अब्दुल्ला बाद दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी कर सकते हैं। जी आसिफ,